पाकिस्तान का मुद्दा ये नहीं चलता है, भारत हमेशा अपने देश के लिए सोचता है। नहीं, पाकिस्तान लोगों को लगता होगा इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर भारत के बृहद स्वरूप को देखा जाए तो पाकिस्तान उसके सामने बौना साबित होता है। अखिलेश यादव ही मुद्दा लाए हैं पाकिस्तान का मुद्दा, क्यों बताइए? देश के होके हिंदुस्तान मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, तो हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान का मुद्दा ये नहीं चलता है, भारत हमेशा अपने देश के लिए सोचता है। देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ना जात चलता है ना पात चलता है, यहाँ पे प्रत्याशी और जो जिस सिंबल से आ रहा है उस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। मतलब पाकिस्तान के मसले पर कोई वोटर पोलिंग बूथ पे नहीं पहुँचता? नहीं नहीं, पाकिस्तान की मतलब वो तो हर देश के प्रथम हर नागरिक के लिए खुशी की बात होती है कि भारत स्टैंड कर रहा है पूरे विश्व में। वो तो हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो हर चीज़ों पर खुश रहता है, ऐसा कोई वोटर पे रुझाव नहीं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है जो पाकिस्तान का मुद्दा आ गया है, इसके नीचे जो स्थानीय इशू होते हैं वो दब जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, हर कैटेगरिया पे हर चीज़ों पे अपने अपने लगे हुए हैं अधिकारी वगैरह। तो क्या है कि स्थानीय पे स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने अनुसार समझाते हैं। वहाँ के लिए अलग देश अपना निर्णय लेता है, देश की अलग कमेटी है, कोर कमेटी है, उससे कोई फर्क। पाकिस्तान के मुद्दे पर वोट करना चाहोगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे, पाकिस्तान के मुद्दे पे नहीं, पर जो चीज़ हमारे आज से मतलब हम लोग यूथ हैं, युवा हैं, तो जो चीज़ हम अपने आंखों के सामने देखेंगे हम उस पर वोट करेंगे। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा स्टैंड लिया उत्तर प्रदेश में, जो कभी इतिहास में सुना जाता था कि राम मंदिर को बनाएंगे, राम मंदिर को बनाएंगे, बचपन से मैंने भी उस चीज़ को सुना, उस चीज़ को अपने सामने देखा, तो राम मंदिर के नाम पर भी तो वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार में, हिंदुत्व एक होगा। और दूसरा क्या है, विकास बहुत हुआ, विकास में कभी उत्तर प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटी, युवाओं के लिए हर चीज़ की योजना आ रही है, हम जैसे जो पढ़ के निकले हैं उनके लिए नई नई योजना, तो इसके लिए वोटिंग पड़ेगी। मुझे लगता है कि अब इतना प्रासंगिक नहीं रह गया, वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जहां तक पार्टी विचारधारा और समाज की बात है, तो इस हिसाब से अब चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि अब डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, हर पार्टी इसी पर फोकस कर रही है। आप बतौर वोटर सोचते हैं कि पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, वर्तमान प्रदेश में अब अपने प्रदेश के स्तर की राजनीति को देखते हैं। नहीं, पाकिस्तान लोगों को लगता होगा इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर भारत के बृहद स्वरूप को देखा जाए तो पाकिस्तान उसके सामने बौना साबित होता है। मुझे लगता नहीं कि उस पर इतना समय हमको देना चाहिए। चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा दोबारा आ गया है, आपको लग रहा है ये चल पाएगा? नहीं, ये चल नहीं पाएगा, मगर ये अखिलेश यादव ही मुद्दा लाए हैं पाकिस्तान का मुद्दा, क्यों बताइए? देश के होके हिंदुस्तान मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, तो हमारा दुश्मन कौन है? ये उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या कोई प्रत्याशी जीत सकता है या हार सकता है? नहीं, पाकिस्तान विकास के मुद्दे पर प्रत्याशी जीत सकता है, पाकिस्तान और इस पर तो नहीं जीत सकता है। हमारे साथ कि वोटर पोलिंग बूथ तक पाकिस्तान के मुद्दे को जहन में रखते हुए पहुँचता है? नहीं, ऐसा नहीं। जब पाकिस्तान का मुद्दा चारों तरफ चर्चा में है, तो आपको लग रहा है कि जो स्थानीय मुद्दों जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, वो दब गए? नहीं, ये जो है सरकार की नीतियों को विफल करने के लिए विरोधी पार्टियां ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे कि लोग ध्रुवीकरण की तरफ फंस जाएं और धर्म के आधार पर वोट दें, क्योंकि लोग कुछ पार्टियों की राजनीति उन्हीं की वोट बैंक पर चल रही है, तो उनका वोट बैंक जिंदा करने के लिए उनको पाकिस्तान भी चाहिए, और उनको बहुत से नेता ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं उनको भी टिकट दे रहे हैं वो, तो कुल मिला के उनको जो है खुद करने के लिए इस तरह बयान देते हैं। सर कहते नहीं सर, जो है जब चुनाव का मुद्दा आता है ना, तो पाकिस्तान का भी एक टॉपिक एक अलग से लिया जाता है कि जो है हर तरह से वो चीज़ों को फ्रंट में करके उसको राजनीतिक वे में जा करके बातों को सबके सामने उजागर करना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह से लाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो जनहित के लिए कार्य कर रही है, और ज़मीन से जुड़े व्यक्तियों के लिए जो जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं हैं, वो सारी लेकर के आ रही है, तो उसको पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या कोई प्रत्याशी जीत हार सकता है? नहीं सर, पाकिस्तान का मुद्दा सर वो एक बनाया जाता मुद्दा है, और उन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देश को आज़ाद हुए और बंटवारा हुए काफ़ी समय बीत गया है, ये सब मुद्दे उठाना बेवकूफ़ों का जो है बात है, और इससे कोई राजनीतिक स्टंट नहीं होता है, ना ही कोई वोट दे देता है किसी को, ना उसकी सरकार बन जाती है। कैंडिडेट हार जीत सकते हैं क्या इस मुद्दे से? कोई ये मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। क्या वोटर पाकिस्तान के मुद्दे को जहन में रहकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचता है? अरे हम हिंदुस्तान में रहे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान की बात करेंगे? पाकिस्तान का कोई इश्यू नहीं है,
युवाओं की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना ही देना ही नहीं है। जब बात प्रदेश की है तो प्रदेश के लिए क्या कहते हैं, युवा शक्ति, युवा और युवाओं के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी परियोजनाएं लाके हम लोग को भेंट दिए हैं, साथ ही क्या कहते हैं, विकास हो रहा है पूरे प्रदेश का, तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं पाकिस्तान की बात करना चाहिए। अब पाकिस्तान का मुद्दे की जहाँ तक बात है, देश हित और राष्ट्रहित की जहाँ बात है, तो वहाँ ये चीज़ें अगर आती हैं तो इससे कोई वो बात नहीं है। और जनता खुद समझदार है, किसको वोट करना है देश हित में राष्ट्रहित में उसको बखूबी पता है। राजनीति के षड्यंत्र आप कह सकते हो उसको, चाहे बीजेपी दे या समाजवादी पार्टी दे या कोई भी दे, उससे कुछ वो नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुद्दा यही है, अपना विकास है आदमी का, और राष्ट्रहित में जो पार्टी या जो मंत्री या प्रधानमंत्री करेगा, आदमी उसी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहना चाहिए। कैंडिडेट हार जीत सकता है क्या पाकिस्तान के मसले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पाकिस्तान के मुद्दे को लेके कोई कैंडिडेट हार जीत का इतना, अब जो जनता है वो समझदार है, कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जनता अपने जहन में पाकिस्तान को लेकर पोलिंग बूथ पे पहुंचती है? नहीं नहीं, कोई वो तो केवल अगर राष्ट्रहित की कोई बात है, कोई इस तरह की कोई अटैक हो गया हो या कोई इस तरह का मुद्दा हुआ हो तो भले एक बारी आदमी उसको संज्ञान मिले, लेकिन जो कि तुष्टिकरण की राजनीति हो तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जनता उसको लेके पोलिंग बूथ तक जाएगी। अच्छा। और हमारी समझ में पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मसला है, तो कभी भी पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा यहाँ की और प्रधानमंत्री हुए होंगे तो भले उससे कुछ इस तरह का कोई डराव या कुछ उस तरह का लगा हो, लेकिन हम लोग तो नहीं समझते कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मुद्दा है कि पाकिस्तान इंडिया को हावी हो जाएगा, कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा वो।